बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चला रहा है, पूरी चल भी रही है ना, झट झट ना फटफट। पता नहीं कौन से गियर पे लिया, इतनी उबड़ खाबड़ रास्ता में बिना एक्सीलेटर की चल रही है बाइक। देखियो पूरी गाड़ी चलते ही जा रही, मतलब रुका ही नहीं रही, ऊंचे नीचे जगह पे भी नहीं लग रही है का गाड़ी में पावर कम। इसे गाड़ी है कि का है यार जी? आ जाओ घूम लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त एंड आयुष पटेल, और आज हम आए हैं एक और बिल्कुल अजीब सी जगह पे जिसका नाम तक नहीं पता हमें, बट हाँ ये हमारे होम टाउन से 5 किलोमीटर दूर है। और हम और मैं और मेरा फ्रेंड यश पहली बार आए हैं यहाँ पे, वो भी कौन सी बाइक लेके, देख सकते हो आप। इसका मीटर अभी रिपेयर होने गया है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे इसका मीटर कहाँ गया। और ये बाइक लेके आए थे हम लोग यहाँ पे, और मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि खदान है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पीछे का देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है पूरा, और वो जा रही है मेन रोड वहाँ पे, आई थिंक आपको दिख रही हो, देखिए मैं दिखाता हूँ। वो जा रही है मेन रोड पूरी, जो कि वाया हाईवे है वो, और यहाँ से जाते हैं जोधेश्वर अगर इस साइड आएंगे तो। और हम जा रहे हैं अभी इस साइड, पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है, तो देखते हैं कहाँ निकलता है, जैसा भी होगा हम बताएंगे। और अभी यहाँ से आए थे हम नहर नहर के थ्रू, बगल में हमारे कैनाल है जो कि इस तरफ को बह रही है, मतलब ऐसी बह रही है, किस तरफ बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज बह रही है, इसमें कोई रोटेशन नहीं होता, फिर भी तो इस तरफ को बह रही है, और हम ऐसे जा रहे हैं मतलब नहर के इस साइड जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या है, और आगे चल के दिखाते हैं आपको। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, मुल्तानी मिट्टी बनती है, इसको फेस पे लगाया जाता है, काफी भुरभुरा चूने वाला पत्थर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसे पूरे एरिया में देखा जाता है, पाया जाता है। और ये लिख के तो जा सकते हैं वैसे, हम तो ले जाते बनेगा नहीं, क्योंकि इसको मुल्तानी मिट्टी बनाई जाती है, बट अभी बस चढ़ने का है इस करके। फिर आगे चलकर देखते हैं कैसा क्या, पता नहीं कौन सा गाँव बस गया यहाँ पे, ये बगासपुर का वो पिछला ऐसा दिख रहा है, वो जा रही कार, अगर दिख पा रहे हैं आपको तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कैसे क्या। बहुत ही अजीब सी जगह है, कभी आई नहीं, पहाड़ी देख रही है समतल जमीन पे, पता नहीं कह सकता है, देखते हैं आगे। काफ़ी गहरी है, इस करके हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे, कैनाल के साथ खेल नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये नर्मदा जी का पानी है और थोड़ा सा पानी से खतर। तो गाइस हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, और आपको बार बार वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि हम एक ही एक जगह का वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि इस करके क्योंकि नहर वहाँ पे देख सकते हैं, कैनाल जो थी वहाँ पे काफ़ी सकरी थी, यहाँ पे काफ़ी चौड़ी है, यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड है, और यहाँ पे काफ़ी गहरी भी है, अगर गिर गए ना तो निकलने की कोई संभावना नहीं है। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि चिरचटा आने वाला है, लाडगांव चिरचटा, तो वहीं चल के मिलते हैं सीधे। अब बोल रहा है जंगल पार करेंगे, क्योंकि ये भैया जी जा चुके हैं वहाँ पे, हम तो गए नहीं, तो चलते हैं। और काफ़ी हमारी बाइक से ना काफ़ी ज़्यादा ये शॉकर का जो फ्रंट शॉकर का ना ये ऑयल लीक हो रहा है थोड़ा सा, और इतने बढ़िया शॉकर चल रहा है ना, ऑयल लीक हो रहा है फिर भी, मतलब इतना झटका एब्जॉर्ब कर रहा है ना, किसकी कोई हद नहीं, इतना सॉफ्ट चल रहा है, पिछला वाला थोड़ा टाइट है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है, तो मिलते हैं आगे। तो ये हम पुल पुल पार कर रहे हैं कैनाल का। अबे 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 धीरे 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 धीरे, दोनों हाथ छोड़ के कुछ राइडिंग कर रहा है, और यहाँ पे चढ़ा सकते, और घूम के जाते हैं उस मंदिर पे चरचटा जिसका नाम है यहाँ पे। अच्छा ये है वो रोड, ज्यादा आगे आ गए लगता है हम, सेम तो चीज थी, चाहे वहां से आ जाते चाहे यहाँ से। चालू है कुछ वही बंजर जमीन अगेन चली जा रही है, जो कि ऐसा दिखता है बहुत खतरनाक टाइप का। ओह ज्योतिश्वर का मंदिर दिख रहा होगा अगर आपको, हो गया तो ये कुछ देख सकते हैं, कितना सही लग रहा है यहाँ पे, पानी यहाँ पे जो भरा हुआ है, डैम है दरअसल ये एक चिरचटा का डैम, बट ये कैनाल वाले डैम है ना कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने वाले डैम। और यहाँ पे कुछ ये बांध बना के रखा है इन्होंने, बांध से जा सकते हैं क्या नीचे? हाँ जा सकते हैं, चलो चलो चलो, वो गाड़ी वहाँ कर चली जाएगी। तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं अभी हम, आराम से आराम से आराम से,
ये बांध है कुछ, इधर से ऐसे जाता है। फंसा ले, अरे तुम तो ये जा चुके हैं ऊपर, क्योंकि ये कई बार में ले गए गाड़ी तो हमें पीछे छोड़ गए, तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और देख लो कुछ ऐसा लुक आता है यहाँ पे, और हमारी गाड़ी भी कुछ सही साउंड दे रही है। अब हम यहाँ से जाएंगे घर की तरफ, यहाँ से जो कि आई थिंक 10-15 किलोमीटर होगा। खैर चलते हैं आगे की ओर जहाँ हम जा रहे थे, और देख सकते हैं कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो चलो तो अभी हम जा रहे हैं उस मंदिर में जो कि ये बोल रहा है, और ये यहाँ पे कुछ यहीं लोकल के लोग हैं जो भेड़ बकरी जो चर रहे हैं यहाँ पे। आराम से चलो ना दोनों तरफ, एक साइड यहाँ पहुँचेंगे। अभी तो ठंड है, ठंड है अभी, ठंड का सीजन है। तो बरसात का सीजन होता है ना, तब जो व्यू आता है ना यहाँ भाई साहब पूरा ग्रीन। तो अभी हम सीधे ऊपर चल के मिलते हैं आपसे। तो हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते, काफ़ी अजीब सी जगह है यहाँ पे, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो हमको बार बार हमें ऊपर लग रही हैं। तो ये पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, इसको सब पता है। ये जंगल है पूरा, पूरा जंगल है, आसपास कुछ भी नहीं है। और ये चट्टान देख सकते हो किस तरीके से पड़ी हैं, जब से धरती का निर्माण हुआ है डायनासोर खत्म हुए जब से लगता है ऐसे ही पड़ी हैं, जैसी की तैसी दिखी रही हैं। लेकिन यार इतनी अजीब तरीके से कैसे गिर सकती हैं, गिर ना जाए कहीं, बहुत खतरनाक तरीके से इनमें वो रखा है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, और यहाँ पे नीचे आ जा खिसक गई ना, मतलब पत्थर पे। देख सकते हैं चारों तरफ खेत हैं, ये पीक पॉइंट है यहाँ का, ये पीक पॉइंट है। नहीं इससे ऊपर भी है, नहीं इस ये जो पहाड़ है ना इसका ये पीक पॉइंट है, और उस वाले पहाड़ का तो और ऊंचा। तो उधर जाने की तो हिम्मत है नहीं। कैनाल देख सकते हैं आप जिसके थ्रू हम आए थे, और ये जो डैम है इसका पानी कैनाल में जाता है जो कि पूरे जिले में सप्लाई होता है MP 49 में। अब जिसको नहीं पता सर्च कर लेना, मैं नहीं बताना चाह रहा। खैर कुछ दिखता है तो दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कुछ यहाँ पे पीछे मेरे, जो कि पीछे यहाँ पे दिख रहे हैं खेत ही खेत, और यहाँ पे दिख रहा है पूरा जंगल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, सिर्फ तुम हो, हम हैं, और ये है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पेड़ पेड़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे चट्टान देख सकते हैं हम, जैसे कि
तो अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि हमको यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है, सही सा नहीं लग रहा। और यहाँ पे भी इंसान आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिप्स वगैरह के पैकेट दिख रहे हैं मेरे को कुछ। तो चलते हैं उस आगे की नीचे की तरफ, दिखाते हैं ऐसा क्या होने वाला आगे। तो गाइस अभी हम आ रहे थे मंदिर से नीचे की ओर, जाके नीचे की तरफ जा रहे हैं हम वापस। तो हमको ये पत्थर की कुछ तरीके की डिजाइन दिखी है। आपने डिजाइन देखी कभी ऐसी? ये डिजाइन देख रहे हैं आप चट्टानों पे, बड़ी अजीब सी डिजाइन है, अजीब सी प्रकृति है। किसी को ये जगह पता ही नहीं होगी जहाँ हम लोग आ गए। ये अजीब सी वाइब आ रही थी यहाँ पे, ये चट्टान देख रहे हैं, जरा सा पैर पड़ा शायद खिसक जाए, तो कोई भरोसा नहीं। और ये हम आए कहीं से थे, जा कहीं से रहे हैं साला? वहीं से आ रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है जी, बोलो। चलो चप्पल पहने हम लोग, शूज भी नहीं पहने हम लोग, अभी रैंडमली निकले थे घूमने के लिए और यहाँ पे आ गए। तो बचते बचाते निकलते हैं, काफ़ी अजीब सी जगह थी ये। और यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं कुछ और समझ रहा था। खैर ये क्या है भाई, ये क्या है? सो हाथ नहीं लगा नहीं है वो। बस सांप की तो बात नहीं कर रहे हम। कहाँ तो भैया जी बोल रहे हैं वहां पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज नहीं लग रहा कि घर पर जा पाएंगे, वीडियो अपलोड हो पाएगी। हो गई तो समझ लेना घर पहुंच गए, और नहीं हुई ना तो समझ लेना कि बस खत्म। ऐसा भी नहीं आयुष, मरने नहीं वाले थे। चालू कर लो, चालू कर लो। अब वो तुम जानो, तुम लेके तो जा रहे हो। कैसे तो पत्थर हैं यार, अबे हम भी हैं, रुक जाओ। बेशरम के पेड़ लगे पूरे में अपने जैसे। अबे बेशरम इस लकड़ी का नाम है। ले जा रहे सीधे सीधे ऑफ रोडिंग करते हुए, और गाड़ी बंद हो गई ना तो फिर धक्का भी नहीं लग पाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं गिरते गिरते बचे हैं, पहुंच जाते हैं फिर हम दिखाते हैं आपको। अभी गाड़ी स्लिप हो गई हल्की सी, तो पैर में लग गई इसके थोड़ी सी। और ये है जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे, मान नहीं रहा, जिद्दी कहीं के बोल रहा ऊपर चलते चलते हैं गाइस। और का गाड़ी हमने वहीं पे पार्क कर दी थी, तो अब चलते हैं पहले देखते हैं। हमको तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, जंगली इलाका है, कहाँ लेके आ गया। अबे जा से आता क्या होगा, शेर खा लेगा। हाँ देख रहे तो कहाँ से जाने जाने का। अबे वहाँ से नहीं है, यहाँ से। पैर मेरा मुड़ते 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 बचा, मकड़ी है बेटा, बच के रहियो। देखा ना अपन बच्चे। अबे भाई काय को पेड़ है जो करौंदा। सीधे मिलते हैं ऊपर, कैमरा हाथ से संभला नहीं जाएगा। इन तो इनको दे देते हैं कैमरा। तो ये है खड़ी चढ़ाई, चलो और चढ़ेंगे इसके ऊपर। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी है कि हम दोनों चप्पल पहने हैं। कैमरा घुमा कर टीवी वीडियो बना लेंगे। आ जाओ फ्रंट कैमरा रहने दो। जगह पे जा रहे हैं, बाइक दिखा दे पीछे दिखा। अभी ऊपर जो वहां चढ़े थे अब ऊपर यहाँ चढ़ हैं। बाइक हमारी वहाँ पे रखी हुई है, शायद यहाँ से दिख नहीं रही है। ऊपर से दिखेगी, ऊपर से दिखाते हैं। हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, बाइक दिखाते हैं हम आपको। आई थिंक दिख रही हो, नहीं दिख रही तो कोई नहीं, ऊपर से चल के दिखाएंगे। और चढ़ते जा रहे हैं ऊपर जंगल में, पानी भी नहीं है। आज तो एडवेंचर ही हो गया कि जंगली जानवर ना निकल आए। जंगल में घूमना वैसे
सही नहीं रहता है। अपने आसपास के जंगल में जाते हैं तो इतना अजीब सा लगता है ना, क्या बोले। चलते हैं ऊपर, वो देख सकते हैं ये इतना जूम करने पे दिख रही है हमारी बाइक, काफी ऊंचाई वाली जगह पे है और कम से कम 300 फीट ऊपर आ गए होंगे हम लोग धरती से। क्यों तो चलते हैं ना, देखते तो आगे कितनी आगे। वो अब बोल रहा है कि आगे चढ़ने में मतलब नहीं है, पैर फंस रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आ गए हैं हम इस इधर के टॉप पे। और ये क्या है, पत्थर है क्या, कैसा पत्थर है रे, बड़े अजीब से पत्थर है यहाँ पे। और इसके पैर में चोट लगी है। कुछ दिख रहा है आसपास, सिर्फ जंगल जंगल और कुछ नहीं। यहाँ पे पेड़ है नहीं तो डेप्थ दिखती अच्छे से। वो सामने वाला पहाड़ पे पीक था बट यहाँ पे तो हम पीक पे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं बना, इतने थक गए हम लोग। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होती है, पेड़ की शेप देखो आप, ये सांप के पोल हैं, वो देख सकते हो, ये देख सकते हो, इसमें सांप रहते हैं। खैर अभी ये देख सकते हो, यहाँ आने का कुछ है मतलब निकला नहीं। चलते हैं यहाँ से नीचे और कुछ नहीं। चलिए गाइस मिलते हैं सीधे नीचे, हिम्मत नहीं बची अब की लौटते की क्लिप दिखाएं, थोड़ा बहुत हो पाएगा तो दिखा देंगे। गाइस हम आ रहे हैं नीचे और देख सकते हैं अगेन बाइक दिख रही है आपको, जूम करके दिखा दूँ। कहाँ गई वो, रही ये रही ना, ये देख सकते हैं, ये दिखी ये बाइक हमारी वहाँ खड़ी है, एक्सीड 135। चलते हैं नीचे, थक गए। चलो यहाँ पे जंगल के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ पत्ते और बंजर जमीन के अलावा यहाँ पे ये एरिया कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। और ये देख सकते हैं बेलपत्र लगे हुए हैं यहाँ पे, बेलपत्र ही है ना, और ना सॉरी ये बेलपत्र नहीं है, ये उसके पेड़ हैं सीताफल के। आप सीताफल को कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, उसके पेड़ हैं वो, ये वाले। चलते हैं नीचे। ए भाई मारना मत, यहाँ पे फिसलते फिसलते बचा मैं। चलो आराम से, पैर में थोड़ा सा लग चुका है हल्का सा, खून नहीं निकला बट नीचे ही चल के मिलते हैं, यहाँ नहीं दिखा पाएंगे अब हम। वैसे व्यू चेक कर लीजिए एक बार, अभी वहाँ चढ़े थे, अभी हम यहाँ से आए हैं, अब नीचे जा रहे हैं। चलो हम वहाँ से नीचे आ रहे थे, ये आ रहे हैं और यहाँ पे हमको चूड़ी डाली मिलनी है, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हम नीचे जाते हैं सीधे, क्योंकि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी और खड़ी चढ़ाई है तो सीधे सीधे नीचे जाते हैं। उसके पैर में लगी है, होशियार मान नहीं रहा है, फिर भी लेके आ गया तो ठीक है। आराम आराम से चलते हैं नीचे की ओर, घर वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। चलो खाएंगे क्या हम, आराम से दौड़ना ही दौड़ना ही। हम अपना बैलेंस बनाते हुए पलट के आप, पलट के आप पीछे मुँह करके ऐसे आराम से आराम से आराम से। यहाँ पे जंगल काफी घना है और बड़ी अजीब सी वाइब भी आती है ऐसी जगह में, जहाँ कोई देखने ना मिले वहाँ हम चले जाएं तो ऐसे ही फील होगा ना। यहाँ पे कुश्ता नहीं है जिसको पकड़ कर हम नीचे जा रहे हैं, और डर इतना लग रहा है कि क्या बताएं, क्योंकि मिट्टी इतनी भुरभुरी है ना, यहाँ पे चला नहीं जा रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल समतल जगह में, थोड़ा सा नीचे की तरफ। वीडियो में इतना समझ में आ नहीं रहा है आपको, क्योंकि एक हाथ में मैं कैमरा और दूसरे हाथ में कुछ नहीं पकड़ के लेके ऐसे जा रहा हूँ मैं। ओ भाई बच गया मैं। तो यहाँ पे इसको आ जाने देते हैं, और ये लाल खैर का पेड़ है, ये खैर की लकड़ी होती है ऐसी लाल लाल। अरे हम आ चुके हैं नीचे और वो दिख रही है हमारी बाइक, अब सीधे हम मिलेंगे वहीं पे। नीचे आ चुके हैं अब हम लोग उतनी ऊंचाई से, और
ये आ चुके हैं बिल्कुल समतल जगह पे, और यहाँ पे जरा पैर हाथ धो लेते हैं उसमें डैम में। हिचकी आने लगी हमको। ये खड़ी हमारी बाइक, ये कुछ हाइट है पहाड़ की जहाँ हम गए थे। तो ये कुछ झील का किनारे का व्यू अगेन, क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। तो चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ पे गाय भेड़ चराने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ये बाइक, हम चलते हैं घर की तरफ। अरे ऐसे ना स्लिप हो जाएगा, डबल में तो बिल्कुल नहीं। घेर के जाए 2 मिनट का घेर ना, गाड़ी सीधी उधर जाएगी। आयुष मान जा बात। तो गाइस हम लोग यहाँ से नीचे आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। बाबा गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाबा गाइस।